जल रेस्क्यू का 16वां दिन मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। पहाड़ी के ऊपर से हो रही है वर्टिकल ड्रिलिंग। अब तक करीब 20 मीटर की हुई है वर्टिकल ड्रिलिंग। ऊपर से 86 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। टनल रेस्क्यू में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। ऑगर मशीन के टूटे ब्लेड को भी निकाला जा रहा है। प्लाज्मा मशीन से टूटे हिस्सों को भी काटा जा रहा है। आपको बता दें 16 दिनों से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, तो जिनको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। वहीं आपको बता दें इसको लेकर तमाम तरह के प्रशासन की तरफ से कार्य किया जा रहा है। ऑर्गन मशीन के टूटे ब्लेड को भी निकाला जा रहा है। प्लाज्मा मशीन से टूटे हिस्सों को काटा जा रहा है। 16 दिन से टनल में फंसे हैं मजदूर, जिनको निकालने के लिए काम प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। वहीं उधर टनल रेस्क्यू पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जल्दी बाहर आएंगे श्रमिक। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना, उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, मशीन का आधा हिस्सा काट दिया गया है। पीएम मोदी भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द ही मजदूर बाहर आएंगे, उनके निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें 16 दिन से टनल में फंसे हुए मजदूर, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। देखिए, काफ़ी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। नहीं देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई, वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियाँ लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। सभी का NDRF, SDRF, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है।